अगर आप फुहारे के दूसरी तरफ को करके अपने सर से वार कर 3 सिक्के फेंकें और कोई दुआ करे तो अल्लाह आपकी दुआ कबूल करेगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम आए हैं राणा रिजॉर्ट सफारी पार्क। ये लाहौर से तकरीबन 2.5 घंटे के फासले पर है। अगर आप गाड़ी पर आएंगे तो तकरीबन 2 से 2.5 घंटे में आप राणा रिजॉर्ट पहुँच जाएंगे। राणा रिजॉर्ट जो है एक तरह का बाँसों का जंगल है, यानी कि यहाँ पर आपको हर तरफ बाँस ही बाँस नज़र आएंगे और इसकी एंट्री फ़ीस 250 ईच है। बाकी की स्टोरी आपको सुनाते भी हैं और दिखाते भी हैं। अगर आप फुहारे के दूसरी तरफ को करके अपने सर से वार कर 3 सिक्के फेंकें और कोई दुआ करे तो अल्लाह आपकी दुआ कबूल करेगा। यहाँ 3 सिक्के थे, आपने 2 किए हैं। चलो आधी दवा तो कबूल होगी। तो जनाब आज हम आए हैं राणा रिजॉर्ट, और आपके लिए मैं एक इजाफ़ा कर दूँ कि राणा रिजॉर्ट में जो मेन चीज़ है वो है इसमें बाँसों का जंगल है, जो कि एक बहुत ही एक हैरतनाक चीज़ है कि जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं सारे बाँस लगे हुए हैं। मैंने कहा आपको हर तरफ ही बाँस नज़र आते हैं। जब मैं यहाँ पहली दफ़ा आया था तो मुझे नहीं पता था कि ऐसी चीज़ भी होती है, यानी कि बाँसों का जंगल, यानी कि वो बाँस जो नॉर्मली सीढ़ियाँ वगैरह पे घर में इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर वो बेसिकली उगते हैं इस पूरे जंगल में, इस पूरे राणा रिजॉर्ट में वही चीज़ है। चलें आगे चलते जाते हैं और मैं आपको चीज़ें दिखाता जाता हूँ क्या क्या चीज़ें इसमें हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत अच्छा जंगल उन्होंने सजाया हुआ और बनाया हुआ है। एंट्री टिकट यहाँ पर 250 है पर पर्सन। सो चलें आगे चलते हैं, देखते जाते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें और हैं। तो हम यहाँ पर एक परिंदे देख रहे थे तो मुझे एक परिंदा बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं थोड़ा सा फोकस कर रहा हूँ, मैं इसके बारे में मुझे नहीं आइडिया क्या है, मुजम्मिल भाई से पूछते हैं। मुजम्मिल भाई आपको पता है इसका क्या नाम है? मुजम्मिल भाई कह रहे हैं कि सुरखाब। अगर आप लोगों को पता है इसका तो ज़रूर बताइएगा कि क्या है, लेकिन ये मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव और अच्छा लगा, चूँकि पिंक कलर और पिंक बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। तो गाइज़ हम यहाँ पर हमने जंगल की सैर करना शुरू कर दी है और हमें मुजम्मिल भाई घुमा रहे हैं, जो कि ये उनका एरिया और उनको इसका बहुत अच्छे से आइडिया है। मुझे ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा पुरसकून लगी है, चूँकि यहाँ पर आप ऊपर अगर देखेंगे टोटली सारा कवर अप है, इवन धूप का कोई नहीं। मेरे ख्याल से अगर यहाँ पर जून जुलाई में भी आया जाएगा तो मौसम बहुत हैवी होगा, यानी कि सर्दी हो या गर्मी यहाँ पर मेरे ख्याल से टेम्परेचर नॉर्मली ऐसे ही रहता है। तो देखते हैं क्या सीन होता है, कि हम किस तरह घूम कर कितना चल पाते हैं, चूँकि मैक्सिमम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ जाता था। चलें चलते हैं। ये जो पार्क है ये बेसिकली फैमिली पार्क है, यहाँ पर ज़्यादातर जो है ना फैमिलीज ही आते हैं। इवन इन्होंने काफ़ी जगहों पर जो है ना लिखकर भी लगाया हुआ है, जैसे कि ये लिखा होगा कि फैमिली यहाँ पर सिर्फ फैमिली अलाउ है और रिस्पेक्ट वुमेन, जो कि बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए ऐसे ही। लेकिन इनके हर थोड़े से थोड़े फासले पर इवन कुछ ना कुछ इन्होंने लिखा हुआ है, कि जैसे कि मैं आपको भी दिखाता हूँ कि क्या कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके ऊपर चढ़ना मना है। तो हमें यहाँ पर जंगल में घूमते हुए एक जगह पर एक गुफा नज़र आई, वो गुफा वो मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, चले जाके देखते हैं वो किस मकसद के लिए बनाई गई और कैसी है। बट यहाँ पर पूरा लुक जो है ना, इवन उसको कहते हैं ना कि जंगल वाला लुक है, हर तरफ से कवर अप है और हर तरफ पौधे ही पौधे, मतलब बाँस ही बाँस। ये इन्होंने गुफा के पास हम पहुंच गए हैं। ये जैसे गुफा ऐसी है कि यहाँ पर आप नाइट स्टे कर सकते हैं, यानी कि नाइट कैंपिंग यहाँ पर आप की जा सकती है। ये प्रॉपर एक है,
तो गाइज यहाँ पर हम झोंपड़ी देख रहे थे, यहाँ पर हमने एक और चीज़ देखी है, वो मेरे पीछे आप देख रहे हैं वहाँ पर हिरन है, जंगली हिरन। मैं आपको फोकस करता हूँ और आप देखिएगा कि क्या सीन है। ये देखिए गाइज, ये जंगली हिरन है और खुले इस टाइम है यहाँ पर, खुले इन्होंने छोड़े हुए यहाँ पर और आज़ादी से घूम रहे हैं। मुजम्मिल भाई कह रहे थे हिरण के पास जाओ, बट मैंने कहा नहीं भैया, क्योंकि यहाँ पर पानी भी है, चीज़ें भी है, मैंने कहा सेफ्टी फर्स्ट है, ये ना उनके पास जाते हुए हमें कुछ और चीज़ मिल जाए, फॉर एग्जांपल सांप वगैरह इस तरह की चीज़ मिल जाए जो कि ज़्यादा नुकसान दे, सो सेफ्टी फर्स्ट। पारक की नहरों में दरिया रावी का साफ पानी है, और ये देखें मेरे पीछे साफ पानी, समझ तो गई होंगे आप। यहाँ थोड़ी सी लव बर्ड जो के पारक में एंजॉय कर रही हैं। सुख सुकून प्लस सुख प्लस चैन प्लस ऑक्सीजन ओजोन, हमने सुना था ओजोन आसमान में बनती है, यहाँ पे सफारी पार्क में भी आजकल बनना शुरू हो गई है। जब आप ऐसे पार्कों में आएँ तो मेहरबानी करके गीदड़ की तरह चीखे मत और दूसरों का सुकून बर्बाद ना करें, ये मैं नहीं कह रहा, ये रानर रिजॉर्ट की इंतजामिया कह रही है। ये मेरे पीछे देख रहे हैं मार्केट, यहाँ पे आपको तकरीबन हर चीज़ खाने पीने की मिल जाएगी, यानी कि यहाँ पे सैर तफरी के साथ साथ खाने पीने की चीज़ें का भी पूरा इंतज़ाम है। तो गाइज़ हम यहाँ पर शितरमुर्ग के पास बैठे हैं, और आपको जैसे पता हो शितरमुर्ग परिंदों में यानी कि परिंदों की नस्ल में सबसे ज़्यादा तेज़ भागने वाला ये परिंदा शुतुरमुर्ग, और इसका अंडा भी सबसे बड़ा अंडा होता है, यानी कि जितने जानवर जो अंडे देते हैं सबसे बड़ा अंडा इसका होता है, और ये उड़ नहीं सकता। देखा मैंने कितनी नॉलेज आप लोगों को पास करता हूँ, चलें इंतज़ार कीजिएगा मेरी और नॉलेज का, जस्ट वेट एंड वॉच। गाइस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन भी हो रही है, मतलब साथ साथ ही अप टू डेट भी रख रहे हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ है इस चीज़ का, यानी कि फैमिली के लिए बहुत ही कमाल चीज़ है ये। तो गाइस यहाँ पर हम काफ़ी देर से घूम रहे हैं, अब मुझे चीज़ पुरसकून लगी है, काफ़ी अच्छी है, चूँकि यहाँ पर जानवर भी उन्होंने रखे हुए हैं थोड़े बहुत, और छोटे मोटी चीज़ें भी हैं, मतलब के जैसे खेलने वगैरह के लिए बच्चों के लिए है काफ़ी ज़्यादा। तो मैं ये पूछूँगा, पहले मैं अपना सजेशन दे देता हूँ कि कौन सी चीज़ ज़्यादा बेहतर है, बेहतर इस सेंस में कि लाहौर से बाहर, यानी कि मैं लाहौर का रहने वाले, अगर मैं लाहौर के आसपास देखूँ कि कौन सी चीज़ ज़्यादा बेहतर है। लाहौर में बेसिकली हमारे पास पहले नंबर पे आती है चिड़ियाघर लाहौर ज़ू, जो कि आपके लाहौर के सेंटर में है। दूसरी आ जाती है रायवंड पर जोकर है कि सफारी पार्क। अगर मैं कंपेयर करूँ जानवरों के लिहाज से तो सबसे ऊपर है चिड़ियाघर, उसके बाद सफारी पार्क, उसके बाद ये, क्योंकि बेसिकली चिड़ियाघर में जो टोटली ही सिर्फ जानवर हैं, जो सफारी पार्क है उसमें थोड़े से जानवर उसकी निस्बत कम है। बट अगर मैं बात करूं इधर की, इधर बेसिकली तीन से चार चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली रिजॉर्ट है, क्योंकि ये प्रॉपर जो है जिसको ये नहीं कहेंगे कि आप ईच एंड एवरी थिंग यहाँ पर होगी, रिज़ॉर्ट की तरह की है, जिस तरह के रिज़ॉर्ट में होते हैं, यहाँ पर हम नाइट स्टे भी कर सकते हैं, कैंपिंग भी कर सकते हैं, और डिफरेंट चीज़ें आपको मिल जाएंगी, यानी कि एक ही जगह पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिल जाएंगी। बट मेरा अपना व्यू है, अगर तो आप घूमना चाहते हैं, पुरसकून ज़िंदगी चाहते हैं, जो कि आप लाहौर में हैं, वो कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर है, जब आप शहर से बाहर निकलेंगे दूसरी चीज़ें देखेंगे तो आपको थोड़ा डिफरेंट लुक आएगा और आप उसको इन्जॉय करेंगे, तो वही मेरा सेंस है। मुझे उस सेंस से अगर देखा जाए तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। बट मुजम्मिल भाई यहाँ पर रहते हैं, इनसे पूछते हैं कि उनका इस बारे में क्या ख्याल है। जी मुजम्मिल भाई, जी जान भाई, आप क्या कहेंगे कि ये चीज़ ज़्यादा बेहतर है या लाहौर की चीज़ ज़्यादा बेहतर है? लाहौर की एज़ कम्पेयर टू लाहौर, उसमें सिंपल बस जानवर ही देखने को मिलते हैं, ज़्यादातर लोग जो पसंद यहाँ पे चीज़ करते हैं ना वो यहाँ का जंगल है, सिर्फ जंगल की वजह से यहाँ की टिकट भी महंगी है। रिजॉर्ट है, रिजॉर्ट बाकी भी इधर बहुत सारे रिजॉर्ट्स हैं, आपने पहले लाहौर में भी रिजॉर्ट्स हैं, लेकिन सिर्फ क्या है कि जंगल के नाम पर जो है ना उन्होंने इतना कुछ, वो टिकट भी इतनी महंगी रखी हुई है और एंट्रेंस भी। तो मतलब आपको लाहौर की वो चीज़ सफारी पार्क चिड़ियाघर से अगर कंपैरिजन किया जाए, अगर आपने चिड़ियाघर देखना है, जानवर देखने हैं, तो वो फिर आप सफारी जाएं। ये सफारी जो है ये सिंपल बस वो रिजॉर्ट के अंदर चीज़ें जो जो छोटी छोटी आती है ना उन्होंने, जो जैसा आपने पहले कहा उस वजह से है, ज़्यादातर लोग सिर्फ जंगल इंजॉय करने आते हैं कि जंगल है जी, जंगल है, बांसों का जंगल। हमें ये
چیز تھوڑی سی کم پنچ کرتی ہے جو یہاں رہتے ہیں. زیادہ تر شہر کے لوگ یہ چیز بہت زیادہ پسند کرتے ہیں, زیادہ تر جو باہر سے آتے ہیں لوگ. ہاں وہ اس وجہ سے بھی ہو جاتا ہے جو کہ شہر میں وہ گندگی وہ چیزیں ذرا سکون نہیں ہوتا. یہاں پر آپ جیسے ہی آتے ہو نا آپ کو پہلی چیز جو آٹومیٹکلی فیل ہوتی ہے سکون, جو کہ آپ دیکھیں آس پاس دھوپ اوپر ہے لیکن وہ دھوپ پراپر پڑ نہیں رہی تھی. پڑ نہیں, گرمیوں میں بھی ایسا ہے. اب تو میں موسم تھوڑا سیٹ ہے اور نیچے بھی موسم اچھا ہے, لیکن گرمیوں میں بہت نیچے کا ٹمپریچر بہت زیادہ کم ہوتا ہے ایسے ہی اس پر اوپر کی. چلیں بہت شکریہ آپ کا, ملتے ہیں آگے. نارملی شہر میں رہتے ہیں ان کا ایک ڈریم ہوتا ہے کہ ہم نے ٹیوب ویل میں نہانا ہے, تو یہاں پر وہ فیسلٹی بھی آپ کو دی گئی. یہ بیسیکلی چاروں طرف کور ہے, یعنی کہ یہاں پر فیملیز آ کر ٹیوب ویل میں انجوائے کر سکتی ہیں. اور یہ ایریا انہوں نے اسپیشلی رکھا بھی اس وجہ سے ہوا ہے کہ یہاں پر آ کے ٹوٹلی آ کے فیملی ہی بیٹھیں اور انجوائے کریں, کیونکہ یہاں پر چھڑوں کو جس طرح کے ہم ہیں ہمیں چھڑوں کو یہاں پر نہیں دیتے. اگر آپ فیملی کے ساتھ آئیں گے تب آپ کو ایک پراپر جگہ ملے گی اور آپ کی ہی فیملی یہاں پر انجوائے کرے گی, باقی چیز ساری کور ہے. اب چلتے ہوئے یہاں پر ہم کافی دور نکل آئے ہیں, تو اب ٹانگوں نے جواب دے دیا, تھوڑی دیر ریسٹ کر لیں. چونکہ سفر کیونکہ یہ جو ایریا نا یہ کافی زیادہ بڑا ایریا ہے, اور اکیلے یعنی کہ پیدل یہاں پر جب گھومتے ہو نا تو آپ کو لگ پلگ آتا ہے, اس کے لیے آپ کا اسٹیمنا یہاں پر کافی زیادہ کام ہوتا ہے. یہ ہے تھوڑا سا اسٹے کر کر کے آگے جائیں گے اور لے کر فیل کریں گے. یہاں پر ایک تو سکون ہے, دوسرا یہ بیک گراؤنڈ میں جو میوزک ہے نا, آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ مجھے تو بڑا ہی اخیر لیول کا لگ رہا ہے. سکون ہے نا, تو پیچھے میوزک بھی انہوں نے وہ ایسا لگایا کہ بندہ اور ریلیکس ہو جائے. صوفی میوزک ہے اور سکون کی زندگی ہے, بندہ ادھر چادر بچھائے اور اسی کے پیسے لیتے ہیں بھائی, وہ سونے کے پیسے لیتے ہیں سکون کے. ہر جگہ لکھا نا سکھ چین, سکھ چین گارڈن, سکھ چین گارڈن ہے یہ. لیکن مزے کی بات جو میں نے آپ کو پہلے بھی بلاگ کے اسٹارٹ میں یا مڈ میں دکھائی تھی کہ یہاں پر راوی کا صاف پانی, ماشاء اللہ بندہ کیا کہے اب ان کو کہ راوی کا صاف پانی, راوی خود صاف نہیں ہے اور یہاں پہ اس کا صاف پانی, مطلب یہی پانی آتا ہے وہ پھر ڈائریکٹلی, وہاں تو صاف نہیں ہے, وہاں تو پانی نہیں ہے, مین بات وہاں تو پانی نہیں ہے. سویگ چیک کیا یہاں پہ ٹانگوں کا, یہاں پہ ٹانگوں کا بھی اپنا سویگ ہے. تو گائز امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند ہے, اگر ویڈیو پسند ہے لائک ضرور کرنا, کمنٹ باکس میں بتائیے گا آپ کو آج کا ولاگ کیسے لگ رہا ہے. آپ چاہتے ہیں میں ایسی ویڈیو بناتا ہوں تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, اسی کے ساتھ دیجیے زین کو اجازت, اللہ حافظ.